Today we are going to learn parsing methods, the top down parsing and bottom up parsing. So this is the grammar and this is the production rule for the grammar. इस grammar में आपका variables क्या क्या हैं? E सिर्फ एक ही variable है, that is also a start symbol. और terminals आपके हैं id plus and multiplication. Plus multiplication is operator. और आपको पार्सट्री फाइंड करना है इस स्ट्रिंग के लिए, ठीक है. सो टॉप डाउन पार्सिंग में क्या होगा, पार्सर स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द पार्सट्री फ्रॉम स्टार सिंबल एंड ट्राइज टू ट्रांसफॉर्म द स्टार सिंबल टू इनपुट सिंबल. तो आप स्टार सिंबल से पार्सिंग स्टार्ट करेंगे और इसको गेन करेंगे, ठीक है. तो इसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने ई से स्टार्ट किया और इस ई को हमने ई ई प्लस ई, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेशन ई डिराइव्स ई प्लस ई. अब हमें ये फाइंड करना है तो अगेन ई को जो है डिराइव करना पड़ेगा ई मल्टीप्लाई बाय ई और फिर ई कैन बी रिप्लेस्ड बाय आईडी. तो ये आपका आईडी आईडी एंड दिस इज आईडी, ठीक है. तो इसमें हमने क्या किया, पहले ई जो है ई प्लस ई को ड्राइव कर रहा था, फिर जो राइट हैंड साइड था इसको लेफ्ट टू राइट स्कैन किया, जो फर्स्ट वेरिएबल मिला उसको हमने अगेन रिप्लेस किया किसी प्रोडक्शन रूल से, और फिर स्कैन किया जो लेफ्ट साइड था उसको रिप्लेस किया टर्मिनल से, फिर अगेन नेक्स्ट वाला, फिर लास्ट. सो इस तरीके से आप जो है ये स्ट्रिंग को फाइंड की. सो टॉप डाउन पार्सिंग में आप स्टार सिंबल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग परफॉर्म करके आप टर्मिनल्स तक जाएंगे, ठीक है. इसमें आपने क्या किया, एक्सपेंड किया है, तो इसमें क्या परफॉर्म होता है, एक्सपेंशन, ठीक है. और जैसे एलएल ग्रामर, एलएल पार्सिंग या एलएल पार्सर, इसमें टॉप डाउन पार्सिंग में यूज होता है, जिसमें इस एल की मीनिंग है लेफ्ट टू राइट स्कैन. और नेक्स्ट एल की मीनिंग है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन परफॉर्म किया, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल था उसको हमने रिप्लेस कर दिया. जबकि बॉटम अप पार्सिंग में हम जस्ट इसका रिवर्स करते हैं, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. आपको क्या गिवन है, आईडी आईडी प्लस आईडी, ठीक है. आप इस स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे, तो इसमें भी लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे. तो फर्स्ट आईडी कैन बी रिप्लेस बाय ई, तो ये ई से रिप्लेस हो सकता है, ठीक है. फिर अब आपके पास क्या सिंबल्स हैं, ई मल्टीप्लाई बाय आईडी प्लस आईडी. सो जब नेक्स्ट फिर स्कैनिंग करेंगे, अगर हम इसको लिख दें ई मल्टीप्लाई बाय आईडी प्लस आईडी, तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर जो है स्टार, वो कहीं किसी से ड्राइव नहीं है. ई प्लस स्टार का कॉम्बिनेशन भी कहीं राइट साइड में ड्राइव नहीं है, ई स्टार और आईडी का भी कहीं ड्राइव नहीं है, लेकिन स्टार उसके बाद आईडी जब फिर से आता है तो ये आपका किससे रिप्लेस हो सकता है, ई से, ठीक है. अब आपके पास क्या हो गया, स्ट्रिंग कंप्लीट, ई स्टार प्लस आईडी. अब फिर लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करेंगे तो ई स्टार ई,
ये राइट साइड में है, इसको रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट साइड से, तो आपको क्या मिल जाएगा, ई। ठीक है, अब आपके पास ई प्लस आई डी है, तो ई प्लस आई डी राइट साइड में कहीं नहीं है, प्लस भी नहीं है। आई डी को हम आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, ई से, और ई प्लस ई जो है यहां राइट साइड में, इसको रिप्लेस डायरेक्ट कर सकते हैं ई से। स्टार्ट, ठीक है, तो इसको जिसमें आपका एरो कनेक्टेड नहीं है वो पार्ट आप रिमूव कर सकते हैं, तो आपका कुछ इस तरीके से ट्री जनरेट होता है। और जो रिपीटिशन पे है, जैसे ये इसको मर्ज कर सकते हैं। तो आपका ये बॉटम अप पार्सिंग है, आपने स्ट्रिंग से स्टार्ट किया और टॉप तक गए। अगर आप इसको देखें, इसमें भी स्कैनिंग लेफ्ट टू राइट हो रही है। अगर हम इसको देखें ऊपर से, तो हम ये फाइंड करेंगे कि पहले आपने ई जो है, ई प्लस ई था, आपके पास एक प्रोडक्शन रूल था, बट आपने जो राइट मोस्ट पार्ट था उसको पहले रिप्लेस किया। ठीक है, अगर हम यहां से आए तो ऐसे दिखेगा कि राइट मोस्ट पार्ट, जो राइट मोस्ट वेरिएबल था, उसको पहले हमने चेंज किया है, इसमें चेंजेस परफॉर्म किए। तो आपने क्या किया, ये जो स्ट्रिंग था इसको रिड्यूस करते गए, तो इसमें परफॉर्म क्या होता है, रिडक्शन, जबकि टॉप डाउन में क्या परफॉर्म होता था, एक्सपेंशन। और इसमें एल आर पार्सर आप यूज कर सकते हैं। एल आर पार्सर में एल जो है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग, स्कैनिंग, और आर जो है वो राइट मोस्ट डेरिवेशन, डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, जब हम रिवर्स में जाते हैं तो हमें लगता है कि वो राइट मोस्ट पार्ट फर्स्ट रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सिंग। थैंक यू।